सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइस एक और नई वीडियो में। और आ चुका है गाइस न्यू गोल शॉट, शॉट ऑफ द वीक भी आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे चले गए, सीधे आते हैं क्विस्ट के अंदर और ये शॉट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग चलेंगे गाइस शॉर्ट बुक के अंदर और यहाँ पे इसी के साथ 636 नंबर का प्लेटनम शॉट भी आ चुका है डी पॉइंट की तरफ, नी कनेक्शन जोन। लेकिन यहाँ पे न्यू गोल शॉट है गाइस 633 से डी पॉइंट की तरफ शॉट है और बिलो थी कनेक्शन है और इसका सिक्स डिस्टेंस जो है 140 मीटर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो 8 गोल फ्रेगमेंट के साथ आपको इस शॉट को परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं परचेस कर चुका हूँ और ये शॉट आपको देखने को मिल जाते हैं एडवांस के रूप में। जी हाँ गाइस, फ्रंट फुट पर ये शॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये गोल शॉट है तो आप लोग सारी बल्लेबाज के साथ इस शॉट को खेल सकते हो और इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भाई रिव्यू के बाद ही पता चलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बन चुके हैं गाइस लंदन और कराची, कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान से पहला ओवर करवाने को आ रहे हैं। अब ये देखो कैरम गेंद था पहले गेंद पे, कनेक्शन बड़े ही ईजिली बड़े ही आराम से बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जब आप दूसरी गेंद देखोगे तो कहोगे भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कनेक्शन तो होना चाहिए ना। जब पहले गेंद पर कनेक्शन हुआ लेकिन यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ, तो इस चीज़ को मैं आपको एंड में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस तरीके से कनेक्ट करेगा। अब ये भी देखो कैरम था, यहाँ भी कनेक्शन बना नहीं है। तो कैरम गेंद गुडलिन के ऊपर कनेक्ट होगा कि नहीं होगा वो आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बात तो कन्फर्म है भाई दूसरा गेंद कनेक्ट नहीं करने वाला है। अब ये देखो गुडलिन से थोड़ी सी आगे वाले गेंद थी, ये पोजिशन के साथ ये शॉट को आपको नहीं खेलना है। इस शॉट को खेलने के लिए भाई बिल्कुल बॉल के लाइन के ऊपर ही बल्लेबाज को आना पड़ेगा खेलने के लिए, क्योंकि भाई ये जो बल्लेबाज है ना शॉट को खेलने के लिए पीछे की तरफ आता है, तो आपको बिल्कुल बॉल के लाइन में अपने बल्लेबाज को लेके आना पड़ेगा, तो ये शॉट आप लोग अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। अब ये देखो बॉल के लाइन के पीछे अच्छे आपन, लेकिन फिर भी ये शॉट कनेक्ट कर गया। लेकिन ये सही तरीके से खेलना है तो आपको बिल्कुल बॉल के पिचिंग में आपको आकर ही खेलना चाहिए, ताकि आपका अच्छी तरीके से शॉट जो है ना मिडल होने का चांस रहे आपके लिए। तो और ये देखो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्शन हो चुका है और ये शॉट के खासियत है गाइस, ये शॉट मुझे काफ़ी अच्छा और पावरफुल लग रहा है भाई। बैट से लगने के बाद काफ़ी तेज़ गति के साथ ये ट्रैवल कर रही है। अब ये देखो फुलर लेंथ गेंद थी, बहुत ही आगे की तरफ ये करीब ये गेंद थी और यहाँ पे देखो कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे अपन आगे जाएंगे और ये देखो यहाँ भी कनेक्शन बन चुके हैं। और इस शॉट की एक और खासियत मैं बता दूँ कि अगर 30 यार्ड के अंदर अगर फील्डर हुआ ना, तो ये अर्ली कनेक्शन पे मुझे लगता है ये आराम से क्लियर करवा देगा। अर्ली पे आप लोग ये शॉट कीपर आउट नहीं होगे भाई, मैक्सिमम चांस रहेगा कि भाई आउट नहीं होगे, लेकिन किस्मत ख़राब हुआ तो आप आउट हो सकते हो। तो यहाँ देखो आगे से आगे करीब गेंद कर रहा हूँ मैं, उस पर भी कनेक्शन यहाँ पे बड़े ही आराम से बन रहा है। और ये देखो ऑलमोस्ट हम बहुत ही आगे डाल चुके थे लेकिन यहाँ भी कनेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस तबरे शमसी के अगेंस्ट इस शॉट को। तो सबसे पहले अपन लोग फ्लिपर गेंद ही ट्राई करने वाले हैं। तो जी हाँ गाइस, फ्लिपर गेंद यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, जो पोजीशन में आपको बताया हूँ फुल लेंथ और गुड लेंथ के लिए सेम वही पोजीशन के साथ खेलना है। अब लेग स्पिन की बात करते हैं तो तबरे शमसी के पास देखो बाउंस बहुत ही कम है, तो तबरे शमसी का लेग स्पिन भी आपको कनेक्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अपन लोग फिर से बॉल के लाइन पर आएंगे और ये देखो फिर से कनेक्ट हो चुके हैं और चौका भी यहाँ पर मिल चुका है और ये शॉट थोड़ा नीचे की तरफ ही ट्रैवल करता है। तो यहाँ देखो फुलर लेंथ गेंद है, फ्लिपर गेंद है और बिल्कुल बॉल के लाइन में आए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से खेले हैं। वैसे इस शॉट की अगर टाइमिंग की अगर हम बात करें ना, तो इस शॉट की टाइमिंग अर्ली है। वैसे बॉलर के अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे गेसिंग भी आपको करना पड़ेगा। तो ये देखो फिर से अच्छा कनेक्शन मिला है और 6 मिले हैं। अब ये देखो यहाँ पे गुगली गेंद कर दी है तबरे शमसी की और तबरे शमसी की भाई गुगली को भी इसने कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार अगर गुगली कनेक्ट हो सकता है तो फिर दूसरा कनेक्ट काई को नहीं हो रहा भाई, वो भी होना चाहिए ना। अब यहाँ देखो फिर से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस फास्टर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट की हल्की शॉर्ट पिच गेंद है और रिवर्स स्विंग गेंद है, अच्छी तरीके से कनेक्ट करवा दिया है। लेकिन अगर देखो स्विंग रिवर्सिंग पे अगर आपको इस शॉट को खेलना है ना, तो प्रॉपर गेसिंग के साथ ही आपको खेलना पड़ेगा। अगर स्विंग गेसिंग करा और रिवर्स स्विंग आ गई तो जाके बॉडी पर लगेगी या फिर यहाँ पर बॉडी से बॉडी के पास से निकल जाएगी, कनेक्ट नहीं करेगा। तो पूरा आपको यहाँ पे गेसिंग करके खेलना पड़ेगा। अब देखो यॉर्कर गेंद आ रही है, तो यॉर्कर खेलने के लिए बिल्कुल बॉल की लाइन के जस्ट पीछे होना पड़ेगा आपको खेलने के लिए,
ये जो ब्लू सर्कल है ना, बस इसके पीछे आपके बल्लेबाज होना चाहिए, ना एक स्टेप ना दो ना डेढ़ स्टेप ना दो स्टेप, ना बॉल की पिचिंग से सटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बॉल के पीछे होना चाहिए, तो ही ये शॉट कनेक्ट करेगा यॉर्कर की ऊपर। अब ये देखो गुड लेंथ वाली गेंद थी और कनेक्शन यहाँ पर भी बन चुका है। अब ये देखो थोड़ा सा और अपन गुड लेंथ से आगे डालेंगे और कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है अच्छी तरीके से। वैसे देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट का बाउंस कम है, तो इसकी हल्की सी गुड लेंथ पटकी हुई गेंद कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इतनी आगे गिरी हुई गेंद कनेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके की लेंथ पे बोल्ट जैसे बॉलर के अगेंस्ट से कनेक्ट कर सकता है, जिसके पास भी बाउंस बहुत कम है उसके अगेंस्ट इस तरीके की शॉर्ट पिच गेंदों पे कनेक्ट हो जाएगा, जो कि गुड लेंथ वाली गेंद है, शॉर्ट पिच तो नहीं कहूँगा मैं उसको। अब यहाँ देखो यॉर्कर गेंद ना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई स्विंग रिवर्स स्विंग कनेक्ट नहीं करता, स्लो स्ट्रेट कनेक्ट होता है लेकिन स्विंग रिवर्स स्विंग कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखो स्विंग रिवर्स स्विंग कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल अपन बॉल की पिचिंग के लाइन के पीछे हैं और यहाँ पर देखो कनेक्शन बन चुका है, बस टाइमिंग जो है वो आपको अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, ना आपको बहुत आगे जाना है ना पीछे जाना है, ना ब्लू सर्कल की ऊपर जाना है यॉर्कर को खेलने के लिए। अब यॉर्कर की बात कर रहे हैं तो भाई ये बता दूं आपको कि स्पिनर के अगेंस्ट कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ देखो क्रिस वोक्स की गुड लेंथ वाली गेंद कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास बाउंस बहुत ज़्यादा है गाइस, इसी वजह से कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ फुल लेंथ गेंद आराम से कनेक्ट कर देगा क्रिस वोक्स का भी। अब ये देखो फुलर ले यॉर्कर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर गिरा हुआ गेंद था, हम लोग लाइन के ऊपर नहीं गए उसके बावजूद कनेक्शन यहाँ पे बन चुका था। अब इस बार लाइन के ऊपर गए हैं अपन और इस बार देखो कितना अच्छा कनेक्शन बना है और टाइमिंग भी हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट के रूप में बाउंड्री भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कैरम गेंद को खेलने के लिए आपको एक से डेढ़ स्टेप नेगेटिव जाना पड़ेगा बॉल पिचिंग के, जी हाँ गाइस आपको एक डेढ़ स्टेप आगे जाना पड़ेगा पिचिंग से, तो ही कैरम गेंद कनेक्ट करेगा वरना मिस कर जाएगा। बाकी देखो दूसरा और लेग स्पिन कहीं से भी कनेक्ट नहीं करने वाला है अगर वो प्रॉपर गुड लेंथ वाली गेंद हुई तो। अब देखो यॉर्कर खेलने के लिए भाई आपको वही फास्टर के अगेंस्ट जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यॉर्कर को भी खेलना है, और यॉर्कर का भी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से तोड़ निकाल सकते हो इस शॉट के साथ। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई यॉर्कर कनेक्ट नहीं करता, लेकिन ये देखो गाइस यॉर्कर भी कनेक्ट कर रहा है, बस यहाँ पे पोजीशन आपको सही तरीके से बना के रखना है, अगर पोजीशन में आप लोगों ने गड़बड़ी कर दी ना तो भाई आप स्टंप वाली गेंद पे बोल्ड भी हो सकते हो या फिर वाइड वाली गेंदों पर डॉट बॉल भी हो सकता है। तो जस्ट अपन ब्लू सर्कल के पीछे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से टाइमिंग भी कर दिया है और बड़ी बाउंड्री की तरफ चली गई भाई, नहीं तो छक्का मिलता। फुल टॉस गेंद के लिए भाई आपको बॉल के थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा, नहीं तो मिस कर देगा ये शॉट, तो फुल टॉस गेंद भी कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लेग स्पिनर के अगेंस्ट अपन देखिए तो लेग स्पिनर के अगेंस्ट स्लीपर कनेक्ट हो जाता है गुड लाइन की ऊपर, इसमें कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये मैं लंदन के लेग स्पिनर की बात कर रहा हूँ, तबरे समसी की तो ऑलमोस्ट सारी वेरिएशन को कनेक्ट करता है। अब ये देखो अपन लोग फिर से एक स्टेप आगे निकल चुके थे बॉल की पिचिंग से, क्योंकि बैट्समैन जो है थोड़ा पीछे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब ये देखो यॉर्कर थी स्लीपर थी उसके बावजूद कनेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। अब दूसरा जैसे कि मैंने कहा था गाइस दूसरा और लेग स्पिन कनेक्ट नहीं करेगा, वही गाइस गुड लेंथ के ऊपर लेग स्पिन कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन गुड लेंथ से हल्की सी भी अगर आगे गेंद कर दी ना तो भाई वहाँ पे लेग स्पिन भी कनेक्ट हो जाएगा। फुलर लेंथ पे तो भाई सारी वेरिएशन को ये कनेक्ट कर ही देगा। इस बार भी देखो लेग स्पिन था, अच्छी तरीके से कनेक्शन बन चुका है। तो अब यहाँ पर देखते गाइस हसरंगा की यॉर्कर फ्लिपर वो भी स्टंप लाइन, तो ये देखो स्टंप लाइन फ्लिपर थी ये यॉर्कर थी और कनेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुका है। बाकी यार देखा जाए तो ये शॉट काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल शॉट है ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट, अगर आप लोग 134 यूज़ करते हो तो उसके साथ ये वाला शॉट आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देने वाला फुल लेंथ और यॉर्कर के लिए भी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस शॉट को ज़रूर बाय करके ट्राई करो, टाइमिंग की प्रैक्टिस करो, आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा तो ये शॉट आपके बहुत ही काम आने वाला है। बाकी शॉट की रेटिंग की बात करें तो मैं दूंगा भाई शॉट को 10 में से 8, आप लोग कितना देना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना। बाकी यार ये वीडियो आप सभी को बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ एक और नई रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।